हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बेटा इस वीडियो में हम ओसवाल का अनसोल्ड सैंपल पेपर नंबर 4 सोल्व करेंगे। चलिए बेटा शुरू करते हैं। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है बेटा, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज। आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एसआई यूनिट बतानी है। देखो बेटा, ये आसान सा क्वेश्चन है। वो आपको बताया, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है बेसिकली बेटा, वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा? ये होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, और एरिया तो आपका हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, फोर्स की यूनिट आप जानते हैं न्यूटन पर कूलम, और ये हो गया मीटर स्क्वायर। तो बेटा ये क्या बन जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम -1। ठीक है, तो आप देखो फटाफट से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम -1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर टू देखो क्या लिखा है। देयर आर सर्टेन मटेरियल डेवलप इन लेबोरेटरी विच हैव ए नेगेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। फिगर में गिवन है आपको चार फिगर यहाँ पे। ठीक है, आपसे क्या बोला गया है कि आपने जो है लेबोरेटरी में एक मटेरियल डेवलप हुआ है जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या है बेटा? एक नेगेटिव है। ठीक है, माइनस वैल्यू है। और रे इंसिडेंट फ्रॉम एयर मीडियम वन इनटू सच ए मीडियम, मीडियम टू शैल फॉलो ए पाथ गिवन बाय। आपको इन चारों में से बताना है कि कौन सा पाथ फॉलो करेगी रे कि जब आपका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना हो जाए? माइनस में होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो आपको क्या गिवन है कि जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है बेसिकली वो नेगेटिव वैल्यू है। आपको बताया मैम, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, मैक्सिमम चीजों का ना, मैक्सिमम जो मटेरियल है उनका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स माइनस में प्लस में होता है। ठीक है बेटा, अब फटाफट देखो एक बात आप जानते हैं कि जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है? साइन आई अपॉन में साइन आर होता है। यदि मैं यहाँ से साइन आर की वैल्यू निकालूं, मतलब रिफ्रेक्शन एंगल निकालूं, तो बेटा ये बनेगा साइन आई डिवाइड में म्यू आ गया हमारे पास। और म्यू हमें क्या गिवन है? माइनस में, कि जो है म्यू क्या है? नेगेटिव है। तो बेटा माइनस में म्यू कब होगा? जो आपका आर है, जो रिफ्रेक्शन एंगल है, वो कैसे होना चाहिए? क्लॉक वाइज डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी जाके ऐसा होगा, अदरवाइज तो ऐसे नहीं होता। देखो कैसे, जैसे मान लो मेरे पास बेटा ये डेंसर मीडियम है नीचे, ये आपका ऊपर रे मीडियम है। आपने देखा है यहाँ से एक रे जाती है यहाँ पे ना, ये नॉर्मल है। बेसिकली आप देखते हैं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये होता है आपका, जो नॉर्मल के साथ बनाती है इंसिडेंट रे ना, ये रेयर है। और जब रेयर से डेंसर में रे जाती है तो कहाँ जाती है? वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड जाती है ना। तो आप देख रहे हैं, देखो बेटा ये कहाँ जा रही है? नॉर्मल से इस तरफ है ना, मतलब ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन में है थोड़ी सी ना, तभी जाके इसकी म्यू की वैल्यू पॉजिटिव में आती है। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव गिवन है, इसलिए क्या होगा? जो रे डायग्राम है वो कैसे बनेगा? जो पहला केस है वो देखो, यहाँ से रे क्या जा रही है? यहाँ से किसी एंगल पे टकरा रही है, उसके बाद देखो ये एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो इसलिए इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या रहेगा? माइनस में रहेगा। बस आप इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर थ्री, अ पॉइंट चार्ज क्यू इज पुट इमिडिएटली अबव द सेंटर ऑफ ए क्यूब विद साइड एक्स एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स बाई थ्री। देखो बेटा इसमें थोड़ा चेंज कर लेना, ये क्वेश्चन गलत छपा हुआ है। यहाँ पे ये एक्स बाई टू है और इसका एक ऑप्शन है क्यू अपॉन में टू एप्सिलॉन नॉट, ये यहाँ गलत प्रिंट हो रखा है। तो ये क्या बोल रहा है बेटा, एक चार्ज है क्यू, वो इमिडिएटली कहाँ रखा गया है? सेंटर ऑफ क्यूब जिसकी साइड एक्स है। ये आपका एक क्यूब है, इस क्यूब की जो साइड है वो क्या है बेटा? ये एक्स है। ठीक है, और इसके सेंटर से जस्ट x बाई टू ऊपर ना, सेंटर से सेंटर यहाँ था इसका, x बाई टू ऊपर का मतलब है किसी एक फेस पे आ गया ना इसका, मतलब चार्ज चार्ज बेटा फेस पे आ गया। चार्ज पूरा फेस पे आने के बाद आपसे पूछ रहा है कि फ्लो फ्लक्स थ्रू द क्यूब इज, इस क्यूब से कितना फ्लक्स जो है लीकेज आउट होगा। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि बेटा देखो यहाँ से यदि मैं टोटल फ्लक्स देखूँ, आपने गॉस थ्योरम पढ़ी है कि जो टोटल फ्लक्स लीकेज आउट होता है वो क्या होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये क्या होता है? जब क्लोज बॉडी होनी चाहिए ना। अब देखो यहाँ पे आपका फेस पे आया ना चार्ज, इसका मतलब मेरे को यदि इसे क्लोज करना है तो यहाँ पे मेरे को एक क्यूब और प्लेस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये चार्ज जो है आपका सेंटर में आ जाएगा। ठीक है बेटा, इस तरीके से एक क्यूब और आ जाएगा यहाँ पे ना। ठीक है, तो ये सेंटर में आ गया, तो इसका मतलब दो क्यूब से जो फ्लक्स निकलेगा वो हमारा हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमें तो लेकिन एक फेस से चाहिए ना, क्योंकि क्लोज बॉडी से कितना निकलता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हमें तो एक क्यूब से चाहिए। तो बेटा ये कितना बन जाएगा? 1/2 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये पहला आंसर इसका होगा क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने का चांस है इस बार के पेपर में। ठीक है, पढ़ो क्वेश्चन क्या लिखा है। अ कैपेसिटर ऑफ 4 माइक्रोफेरड, यहाँ पे सी की वैल्यू गिवन है, ये रहा, इज कनेक्टेड एज शोन इन द सर्किट फिगर, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 0.5 ओम। यहाँ पे जो बैटरी लगा रखी है, इसका जो बेटा एक रेजिस्टेंस भी है, कितनी वैल्यू है उसकी? 0.5 ओम है। द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट विल बी, आपको इसके ऊपर कितना चार्ज होगा ना, क्यू की वैल्यू बतानी है। ठीक है बेटा, तो क्यों आपको निकालना है, इसका मतलब क्यू इज इक्वल टू सी वी, तो आपको ये निकालना पड़ेगा। देखो सी तो पता ही है आपको, आपको निकालना पड़ेगा कि यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना है।
या इस वायर के अक्रॉस जो आपका वोल्टेज है वो कितना है, ठीक है। इसे मान लेते हैं हम, ये ए पॉइंट है हमारा, ये हमारा बेटा बी पॉइंट है, ये सी मान लो, इधर वाला मान लो डी पॉइंट, ठीक है। अब एक बात देखो आप, जैसे यहाँ से बैटरी मतलब सर्किट आपने क्लोज कर रखा है, बैटरी से करंट फ्लो कर रहा है, तो जो कैपेसिटर है वो क्या करेगा, फुल्ली चार्ज होने के बाद इससे कोई करंट पास नहीं होगा। 10 वाले जो 10 ओम जो आपका रेजिस्टेंस लगा हुआ है ना, जैसे ही कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा 10 ओम से कोई करंट पास नहीं हुआ ना। यदि मैं यहाँ से करंट निकाल लेता हूँ, देखो नीचे सर्किट में करंट देख लेते हैं इस वाले पार्ट में, तो करंट आपका क्या होता है बेटा, करंट होता है वी अपॉन में आर। वोल्टेज कितना है आपका 2.5 है, रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, प्लस में देखो दोनों सीरीज में लगे हैं क्योंकि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी है ना, तो ये बन जाएगा बेटा 2 प्लस 0.5, दिस विल बी 2.5 डिवाइड बाय 2.5, ये तो कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा 1। तो आपका जो करंट है वो कितना फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर करंट आ गया आपका, ठीक है। अब आप एक बात देखें कि जो ये वायर है, कौन सी वाली, ए बी वाली ना, थोड़ा कलर चेंज करते हैं। देखिए बेटा जो आपका ये ए टू बी वाली ब्रांच है और जो आपकी सी टू डी वाली है ना, बोथ आर इन पैरेलल ना, दोनों पैरेलल में है। इसका मतलब क्या है कि जो वोल्टेज ड्रॉप होगा सी और बी के अक्रॉस, और जो वोल्टेज ड्रॉप होगा सॉरी ए और बी के अक्रॉस, और जो बेटा वोल्टेज ड्रॉप होगा सी और डी के अक्रॉस, बोथ आर सेम, दोनों का वोल्टेज ड्रॉप सेम होगा। और वोल्टेज यदि मैं निकालूं तो क्या बनेगा वोल्टेज बेटा, इसके अक्रॉस निकाल लेते हैं नीचे वाले के अक्रॉस ना, वी इज इक्वल टू होता है आई इंटू आर। आई कौन सा, जो सी डी वायर में चल रहा है, और सी डी में कितना करंट चल रहा है इसके अंदर, 1 एम्पियर अभी हमने निकाला है, तो 1 इंटू रेजिस्टेंस कितना बेटा इसका 2, तो वोल्टेज कितना आ गया आपका 2 वोल्ट आ गया। तो अब जितना वोल्टेज सी और डी के अक्रॉस है उतना ही वोल्टेज इसके अक्रॉस होगा, यहाँ आपको वोल्टेज मिल गया कितना 2 वोल्ट। यदि यहाँ वोल्टेज 2 वोल्ट है दोनों के अक्रॉस, तो कैपेसिटर देखो इसमें से करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है क्योंकि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, तो सिंपली क्या है यहाँ पे आप क्यू इज इक्वल टू सी वाला फॉर्मूला लगा दो बस सीधा, क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 4 माइक्रोफेड सी है आपका और 2 वोल्ट, ये इसके ए और बी में वायर का पोटेंशियल हो जाएगा, तो कितना हो गया 8 माइक्रो कूलम। तो आंसर क्या है बेटा आपका, डी क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, 8 माइक्रो कूलम। अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्टेट सोलेनोइड एट ए पॉइंट इन साइड इज बी इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई। हाँ देखो आपने ये ड्राइव भी किया होगा बाय उसमें एम्पियर सर्किट लो के अंदर, ठीक है, उसकी एप्लीकेशन है ये ना। तो सोलेनोइड के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है बेटा, म्यू नोट एन आई। आगे पूछा है मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड ऑफ सोलेनोइड, देखो बेटा आपको पता है एंड पे क्या होता है, हाफ होता है, इसे आप याद कर लेना क्योंकि इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, और मैंने इसे ग्राफ वाली वीडियो में समझा रखा है आपको कि यदि मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, देखो ये आपका मान लेते हैं सोलेनोइड है एक ना, तो सोलेनोइड के यहाँ से ये इसके 2 एंड्स है, यहाँ तक तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, पीक होता है पूरा ना, ये मान लो बी इसका मैग्नेटिक फील्ड है मैक्सिमम, बी इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई। जैसे ही यहाँ से ये एंड है इसके ना, ये वाले दोनों एंड्स है, जैसे ये मान लेते हैं ये तो आपका सोलेनोइड है आपका ना, तो बेटा यहाँ तक तो ये पूरा पीक रहेगा। जैसे ही इस एंड की बात करते हैं, जैसे ही इस एंड की बात करेंगे तो बेटा यहाँ होता है मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो जाता है, तो इसका ग्राफ ऐसे आता था ना, तो जो ये वैल्यू है आपकी यहाँ से आगे कितना हो गया B/2 हो गया, और यहाँ से ऊपर क्या रहेगा इसके अंदर ये कितना रहेगा बेटा बी रहेगा ना, तो एट द एंड कितना होता है B/2 हो जाता है, तो इसका आंसर क्या है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, लिखा है बेटा वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर इज गिवन बाय, ये तो नॉर्मली फॉर्मूला ही है, आपको बताया बेटा वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है, उसे वी एस से लिखते हैं। वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है कि कितना डिफ्लेक्शन आपका आ रहा है पर यूनिट वोल्टेज पे। यदि मैं इसे थोड़ा चेंज करूँ तो वोल्टेज को लिख सकते हैं आई इंटू आर, ये आपका आर आ गया, ठीक है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, ठीक है। अल्फा क्या होता है बेटा, अल्फा की वैल्यू आपने पढ़ी है एन ए बी अपोन में के होता है, और आई इंटू आर तो यहाँ पे है ही, एन ए बी आई अपोन में के, आई से आई कट जाएगा यहाँ से, ठीक है बेटा। तो आपके पास क्या बनेगा, ये बन गया आपके पास एन ए बी अपोन में के इंटू आर, ये आपका आंसर होना चाहिए ना। देखो जरा एन ए बी, तो यही ऑप्शन है आपका एन ए बी अपॉन में जी इंटू सी लिखा है ना, देखो जी का मतलब है जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, इसने जी से डिनोट कर रखा है वो हमने यहाँ पे आर कर रखा है, जो हमने यहाँ पे के लिए रखा है ट्रोजन कांस्टेंट उसने वो सी लिखा है नॉर्मल कांस्टेंट है ना, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा एन ए बी अपॉन में जी सी, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ, लेंज लॉ इज कंसीक्वेंस ऑफ, ये तो बेटा आपको पता चला एनर्जी का होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, रिलेशन बिटवीन आरएमएस वोल्टेज एंड इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, ये भी आपको पता ही है कि जो ई आरएमएस या वी आरएमएस होता है वो होता है बेटा वी नोट बाय रूट टू, या 1/√2 कितना होता है 0.707 वी नोट, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बोथ बी एंड सी, देखो ये भी सेम है और ये भी सेम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ, ए पॉइंट
ए पॉइंट पॉजिटिव चार्ज इज बोथ नियर एंड आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर इन ए फिगर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेस्ट गिवन बाई। आपको चार ऑप्शन गिवन है, ये आपका कंडक्टिंग स्फीयर है आइसोलेटेड वाला, ये पॉइंट चार्ज रखा गया पॉजिटिव ना। देखो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव से लाइंस निकल रही है तो ठीक है, यहाँ से भी लाइंस निकल रही है, ये भी सही है, क्योंकि इंडक्शन की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा स्टोर में, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये तो इधर तो डायग्राम सही है लेकिन इधर वाला गलत। देखो क्योंकि लाइंस कहाँ जा रही है, पॉजिटिव में घुस रही है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ये वाला देखो, यहाँ से पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव आ जाएगा, लाइंस अंदर जा रही है, यहाँ पॉजिटिव यहाँ से आ भी जाएगी, तो इसका मतलब बी क्या होगा बेटा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ, क्या बोल रहा है, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ गामा रेज, माइक्रो आई आर एंड यूवी रेज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब आपको बढ़ते हुए क्रम में दिखाना है फ्रीक्वेंसी के ना। देखो बेटा आपको मैंने ट्रिक बता रखी है, वो उसे ही निकाल सकते हैं इसको, गाड़ी एक्स यूवी इंडिया में रहेगी। ये बेटा ये क्या होता है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है ट्रिक, किसके वेवलेंथ के, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं फ्रीक्वेंसी के। तो फ्रीक्वेंसी कहाँ बढ़ रही है, ऊपर बढ़ रही है ना, तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही बताना है फ्रीक्वेंसी के ना। हमारे पास ये कौन कौन सी है बेटा, एक तो गामा है, एक हमारे पास माइक्रो है, ये है हमारे पास, एक आई आर इंफ्रारेड है, ये भी एक है हमारे पास यूवी। देखो आप इंक्रीमेंट देख लो कहाँ है, सबसे ज्यादा किसका है बेटा, गामा का, तो गामा की सबसे ज्यादा होनी चाहिए। तो पहला ही ऑप्शन देखो अपना, गामा सबसे ज्यादा, उसके नीचे कम यूवी की है, उसके नीचे आई आर, उसके आप नीचे माइक्रोवेव ना, तो पहला क्या होगा बेटा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, इन प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपगेटिंग अलोंग एक्स डायरेक्शन, आपकी जो वेव्स है वो कहाँ चल रही है, एक्स एक्सिस में मूव कर रही है ना। कैन हैव द फॉलोइंग पेयर ऑफ ई एंड बी, देखो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी वेव्स कहाँ चल रही है, एक्स एक्सिस में, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ हो सकता है, वाई में हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड जेड में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं ना, या फिर इसका मैग्नेटिक फील्ड वाई में हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जेड में हो सकता है, तो ये दो ऑप्शन बन सकते हैं। आप देख लो कौन सा आंसर है इसमें ना, ई एक्स और ई वाई, ये तो एक्स तो गलत पॉसिबल ही नहीं है, ये बी एक्स ये भी पॉसिबल नहीं है, ई वाई बी वाई ये भी पॉसिबल नहीं है, तो बेटा आंसर नंबर डी सही है। देखो ई जेड बी वाई लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहे हैं, डैश मिरर हैज रियल फोकस, रियल फोकस किस मिरर का होता है, तो बेटा आप इसे ध्यान रखें, कौन के मिरर का रियल फोकस होता है, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट, एंगल ऑफ इंसिडेंस वर्सेज एंगल ऑफ डेविएशन, कि आई वर्सेज जो आपका डेविएशन एंगल होता है डेल ना, उसके बीच में कौन सा ग्राफ सही है। तो आपको पता है कि जब एक एंगल ऐसा होता है आई इज इक्वल टू ई और आर इज इक्वल टू आर डैश पी, जहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, मिनिमम होता है ना। यदि हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो बेटा ग्राफ इसका ऐसे बनता था, आई इज इक्वल टू ई और आर इज इक्वल टू आर डैश ना, इस वाले एंगल पे जो एंगल ऑफ डेविएशन है, यहाँ से ऊपर रखो डेविएशन को, इधर आई रख लो, ठीक है, तो ये मिनिमम हुआ करता था। यदि हम इसे एंगल कम करते हैं तो भी ये बढ़ता था, इसे ज्यादा करते हैं तो भी बढ़ता था ना, तो ये यू शेप का ग्राफ बनता था इसका, ठीक है। तो ऑप्शन देखो कौन सा होगा, पहला ही ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ठीक है, क्योंकि इस वाले एंगल पे ये डायलेम है आपका, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है, आई इज इक्वल टू ई है इमरजेंस वाला, और आर इज इक्वल टू आर डैश, ये कंडीशन भी आप ध्यान रखना, ठीक है, कि एंगल ऑफ जो डेविएशन है वो मिनिमम कब होता है। अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 14 ये बोल रहा है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस पासिंग थ्रू द यूनिट रीजन ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया, इट मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं उसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एमिटेड इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देखो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। तो पहले पार्ट तो लिखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, तो गलत बात है, इंटेंसिटी पे डिपेंड ही नहीं करती। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी, ये भी गलत बात है। इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी, ये बात सही है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब आ जाओ फटाफट से एसएसएन एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चंस ना। क्वेश्चन नंबर 16 ये क्या लिखा है, सेल्फ इंडक्टेंस मे बी कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये बात तो सही है बेटा, क्योंकि आपको पता है देखो इनर्शिया का मतलब होता है कि वही कोई जब भी उस पर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो तो जो चीज है वो अपनी स्टेट में बनी रहती है ना, ये और अदरवाइज वो क्या काम करती है, उसका अपोज करती है ना। सेल्फ इंडक्टेंस में भी यही होता है, जब आप चेंजिंग करंट पास कराते हैं तो होता क्या है, कॉइल उसका अपोज करती है, तो अपोजिशन में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने से क्या होता है, अपने अंदर एक ईएमएफ या करंट इंड्यूस करती है, तो ये बात तो सही है। रीजन में क्या लिखा है बेटा, ड्यू टू सेल्फ इंडक्टेंस अपोजिंग इंड्यूस ईएमएफ इज जनरेटेड इन अ कॉइल एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन करंट और मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल, तो इसका मतलब क्या है, देखो ये भी बात भी सही लिखी है यहाँ पे ना, क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस में क्या होता है कि अपोजिंग ईएमएफ जनरेट होता है कॉइल के अंदर
और रेजी रिजल्ट क्या होता है कि जो करंट है उसमें फ्लक्स लिंक होने की वजह से करंट में चेंज आता है, ठीक है, ये बात ही सही है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है बच्चे। अगले क्वेश्चन पे आओ, व्हेन कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज लेस देन द इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये बोल रहा है कि जब अपोजिशन है आपका एक्स सी ना वो लेस देन है किससे, इंडक्टिव मतलब कि एक्स एल सी है ना, देन ईएमएफ लीड्स इन द करंट, ये गलत बात है देखो, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि बेटा, हाँ ये बात तो सही लिखी है ना, क्योंकि देखो बेटा एक्स एल ग्रेटर देन का मतलब होता है कि जो आपका इंडक्टर है सर्किट कैसा हो गया, इंडक्टिव सर्किट हो गया आपका ना। इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है बेटा, करंट जो है लैग बिहाइंड होता है ना और वोल्टेज लीड करता है, तो ये बात तो सही लिखी है, ईएमएफ लीड द करंट ना, ठीक है। रीजन में क्या लिखा था, एंगल मेड बाय द अल्टरनेटिंग वोल्टेज लीड द अल्टरनेटिंग करंट इन द सर्किट इज गिवन एट टेन फाइव इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स सी बाई आर, ये भी सही है बेटा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 18 ना, इट इज हेल्पफुल फॉर अ डेंटिस्ट टू यूज ए कॉनकेव मिरर इंस्टेड ऑफ प्लेन मिरर, ये बात तो सही है सेशन, क्योंकि आपको पता है बेटा कॉनकेव मिरर में क्या होता है, डेंटिस्ट उसे क्यों यूज करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि जो आपकी इमेज है आपको वर्चुअल और इरेक्ट नजर आती है मतलब ना, और मैग्नीफाइड थोड़े बड़ा दिखता है उसमें ना, इसलिए। रीजन में क्या लिखा है, डेंटिस्ट प्लेस द टीथ ऑफ द पेशेंट इन द बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में रखते हैं, ये बात सही है, वर्चुअल बनती है, मैग्नीफाई बनती है, इरेक्ट बनती है, तो बेटा इसका आंसर क्या है, ये है इसका करेक्ट आंसर। अब आ जाओ फटाफट से सेक्शन नंबर बी पे, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा सेक्शन बी का, रेजिस्टेंस ऑफ द सेमीकंडक्टर डिक्रीज विद द टेम्परेचर, जैसे ही आप टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो आपको जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, घट जाता है, एक्सप्लेन करके बताइए, क्योंकि बेटा क्या होता है जैसे ही आप टेम्परेचर को मान लेते हैं टेम्परेचर आपका इंक्रीज हुआ है, ठीक है, समझ रहा, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर तो होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस बॉन्ड के अंदर ना सेमीकंडक्टर में वो इंक्रीज होते हैं, आपका इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा, इसका मतलब क्या होता है, मतलब वो जंप करेगा, जंप करके कहाँ जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने के क्या होगा बेटा, कंडक्शन बैंड में, यहाँ से वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो उसको एनर्जी मिली, एनर्जी मिलते ही थर्मल एनर्जी से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, जिसकी वजह से कहाँ जाएगा बेटा, वो कंडक्शन बैंड में जंप कर जाएगा, कंडक्शन बैंड में जंप करते ही, जंप इन द कंडक्शन बैंड हो गया, कंडक्शन बैंड में जैसे ही पहुंच जाएगा तो क्या होगा, अब उसकी कंडक्टिविटी बढ़ गई भाई, क्योंकि आपके नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो गए वहां पे ना, तो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई आपकी बेटा, कंडक्टिविटी बढ़ने का मतलब ही क्या होता है कि जो रेजिस्टिविटी है वो घट जाएगी, रेजिस्टिविटी घटने का मतलब है कि उसका रेजिस्टेंस घट जाएगा, ठीक है बेटा, रेजिस्टिविटी घट जाएगी इसका मतलब रेजिस्टेंस भी क्या हो गया आपका, डिक्रीज हो गया ना। तो आप देखते हैं कि यदि आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है आपकी, ठीक है बेटा, सो रिजल्टेंट क्या होता है, जो जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो रेजिस्टेंस है वो घट जाएगा, ठीक है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आओ, कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ, आपको लैम्डा बताना है ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन द n = 2 स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, आपको n की वैल्यू कितनी गिवन है, 2 है आपके पास में, और हाइड्रोजन का मतलब है z की वैल्यू 1 गिवन है आपके पास में, आपको लैम्डा बताना है कितना होगा। देखो n की वैल्यू 2 का मतलब है कि आप ये निकाल लीजिए कि इस ऑर्बिट का एनर्जी कितना होगा, एनर्जी का एक बेसिक फॉर्मूला होता है -13.6 n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना, n की वैल्यू आपने 4 पुट अप कर दी यहाँ पे, तो बेटा ये माइनस का 13.6 डिवाइड बाई 4, ये कट के कितना आ गया, माइनस का 3.4 आ जाएगा, कितनी आपके पास एनर्जी आ गई ना, यहाँ से आप लैम्डा निकाल लो, सो E इज इक्वल टू होता है एच सी बाई लैम्डा, सो बच्चे लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा एच सी अपॉन में E, एच और सी की वैल्यू पुट अप करो, सी पता है आपको, एच पता है, ई पता है, ये निकल चुकी है 3.4 ना, तो आप लैम्डा यहाँ से निकाल सकते हैं आसानी से, आई थिंक इसका आंसर आएगा, आप चेक कर लेना 0.67 नैनोमीटर, ठीक है बेटा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 21, मैं फटाफट बेटा सम असेंबली पेपर को सोल्व कर रहा हूँ जिससे कि आपको ज़्यादा टाइम खराब ना हो ना, बस केवल आप ना फटाफट फटाफट से 2x पे स्पीड पे करके देख सकते हैं इसको आसानी से, ठीक है, बस आपको कंसेप्ट समझना है कि है क्या, जो डेरिवेशन है वो मैं छोड़ दूंगा इसमें, डेरिवेशन वाली मैंने सारी वीडियो पुटअप कर दी है आपकी पूरी 12th फिजिक्स की, 3 वीडियो टोटल है बेटा, उसमें से आप पूरे 12th के डेरिवेशन वहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, उसकी प्लेलिस्ट गिवन है यहाँ पे, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको डेरिवेशन नहीं आएगा आप वहाँ से देख सकते हैं। लिखा है बेटा देखो 21 का ए पार्ट क्या बोल रहा है, स्टेट बायोट सेवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म फॉर एक्सप्रेसिंग द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट एलिमेंट डीएल कैरिंग करंट आई एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द एलिमेंट ना, देखो बेटा आपको पता है बेसिकली बायोट सेवर्ट लॉ जो होता है वो किसके लिए वैलिड है, एक छोटे से कंपोनेंट के लिए वैलिड है, करंट कंपोनेंट के लिए ना, मान लो आपके पास एक वायर है जिसकी लेंथ है एल,
जिसमें मान लो आई करंट फ्लो कर रहा है ना, तो इसके छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से मेरे को एक यहाँ पॉइंट पी जी वन है जो कितनी दूरी पर है, आर सेपरेशन पे है और ये थीटा डिग्री पे है ना, तो मेरे को इस डीएल जो छोटा सा मैंने कंपोनेंट काटा है इसकी वजह से जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो बेटा उसकी वैल्यू आती है बेसिकली, यदि न्यूमेरिकल वैल्यू देखे तो बेटा ये आता है म्यू नोट बाई फोर पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर आता है, ठीक है। लेकिन इसने बोला है यहाँ पे क्या वेक्टर फॉर्म ना, तो बेटा वेक्टर फॉर्म का मतलब होता है कि आपको वेक्टर जो भी इसमें क्वांटिटीज वेक्टर है उसको आपको डायरेक्शन के साथ दिखाना है, तो ये बेसिकली क्या होता है, ये मैग्नीट्यूड होता है। यदि मैं इसे वेक्टर फॉर्म में दिखाऊं तो बेटा ये बन जाएगा देखो म्यू नोट बाई फोर पाई, तो कॉन्स्टेंट होगा 10^-6 इसकी, 10^-7 इसकी वैल्यू होती है। आई आपका क्या है, करंट जो है इसके अंदर क्वांटिटी है, तो ये भी बाहर आ जाएगा आई। तो यहाँ इसकी वेक्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं, डीएल क्रॉस आर डिवाइड में आ जाता है बेटा आर वेक्टर का क्यूब, क्योंकि जैसे ये खुलेगा यहाँ से डीएल क्रॉस आर का मतलब है डीएल आर साइन थीटा खुलेगा, नीचे एक आर है तो एक आर आर कट जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपका ये बन जाएगा। तो बेटा इसका आंसर क्या है, वेक्टर फॉर्म क्या बनेगी, म्यू नोट अपॉन फोर पाई आई डीएल क्रॉस आर डिवाइड बाई आर क्यूब। सेकंड पार्ट देखो क्या लिखा है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर कैरिंग ए स्टेडी करंट आई। ये बोल रहा है कि आपको मैग्नीट्यूड लिखो उसका, क्या हो यदि किसी सर्कुलर कॉइल के अंदर से करंट पास कर रहा हूँ आई उसके सेंटर पे, तो ये इसकी बायोट सेवर्ट की बेटा पहली एप्लीकेशन है कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर से यदि करंट पास करता है तो उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसकी वैल्यू होती है बेटा म्यू नोट आई डिवाइड बाय 2 पाई, सॉरी पाई नहीं आता यहाँ पे, 2 पाई 2 आर आ जाएगा, ठीक है। पाई किस में आता है, यदि स्ट्रेट वायर होती है, तो ये डेरिवेशन मैंने उसमें डाल रखा वीडियो में, वहां से देख सकते हैं आसानी से। आगे लिखा है ड्रॉ द फील्ड लाइंस ड्यू टू द करंट लूप ना, आपको इस करंट लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनती है बना देता हूँ यहाँ पे, ये यह आपका करंट लूप है जिसमें आपने करंट चला रखा है, ये मान लो आपने यहाँ करंट लगा दिया है, ठीक है बेटा, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई इस तरफ ना, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनती है, यहाँ इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड जाता है ना, काफी गोले गोले बनते हैं ऐसे ऐसे, जिसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, यहाँ से ऊपर ऐसे ना ऐसे जा रहा है, ये करंट की डायरेक्शन है, यहाँ से ये ऐसे ऐसे, इधर भी बेटा ऐसे बनेगा, ये गोले 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 ना, बीच में से एक लाइन खींच देना सीधी, यहाँ से ये लाइन ऐसे जा रही है ना, दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ना, ठीक है, ये करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। और वाला पार्ट देखो, द फिगर शोज ए सीरीज एलसीआर सर्किट कनेक्टेड टू ए वेरिएबल फ्रीक्वेंसी 200 वोल्ट एसी, ठीक है, फाइंड द सोर्स फ्रीक्वेंसी व्हिच ड्राइव द सर्किट टू रेजोनेंस ना, आपको सोर्स फ्रीक्वेंसी बतानी है कि जिसमें क्या होगा, जो सर्किट को रेजोनेंस कंडीशन के अंदर ना। देखो बेटा मैं आपको एक बात बताता हूँ, कई सारे बच्चे ना मैंने जहाँ पिछले जगह पर ऐसे क्वेश्चन सोल्व कराए हैं, तो बेटा देखिए ध्यान रखना, सोर्स फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि आपको न्यू निकालना है, न कि आपको ओमेगा निकालना है ना। बहुत सारे बालक मेरे पे कमेंट कर रहे हैं उसमें ना कि सर ये आपने गलत कर रखा है, ये गलत है, आप गलत है, तो बेटा देखो हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैं जहाँ तक आपको बता देता हूँ, रेजोनेंस कंडीशन का मतलब आपको पता है कि जो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी आती है वो होती है बेटा 1/√LC ना, लेकिन यहाँ जो सोर्स फ्रिक्वेंसी का जिक्र है ना कि जो यहाँ से सप्लाई हो रही है फ्रिक्वेंसी ना, जो एंगुलर की बात करता है ना वो ओमेगा है, उसे बोलते हैं एंगुलर रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। यदि फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है बेसिकली, तो वो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है जो आप यहाँ से निकालते हैं, 2 π (ν) होता है ओमेगा 1/LC, तो बेटा यहाँ पे न्यू पूछा गया है, तो न्यू इज कॉल्ड सोर्स फ्रीक्वेंसी, तो आपको ये निकालना है, ठीक है। तो जो बच्चा जिसने कमेंट कर रखा है थोड़ा सा उसे करेक्ट कर लेना आप, ठीक है बच्चे। अब देखो आगे ना, यहाँ पे न्यू पूछा गया है, तो आप सीधा सीधा फॉर्मूले में पुटअप कर दीजिए आसानी से इसको, 1/√L की वैल्यू बेटा आपको पता है, सी भी पता है, एल कितना है हमारे पास 50 है, तो ये बन गया 50 × 10^-3, इंटू सी कितना है हमारे पास 80 है, तो 80 µF 10^-6, ठीक है, इसे आप सिंप्लीफाई करो तो ये कितना बनेगा 1/2π, तो बेटा बाहर है ही, स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, आप देखो ये 5 × 5 = 40, एक जीरो लगा लेता हूँ, एक जीरो से बेटा ये माइनस हटा देते हैं, यहाँ से 10^-8 आ गया। अब इसे स्क्वायर रूट लेके आसानी से सोल्व कर सकते हैं, 400 का आ जाएगा 20, और बेटा 10^-4 आ गया, इसे आप सिंप्लीफाई करो तो आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक। आगे पूछा है क्वालिटी फैक्टर, देखो बेटा ये एक्चुअली इसका क्वालिटेटिव आइडिया केवल सिलेबस में है, इस बार इसका डेरिवेशन बाहर है। तो क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, इसका फॉर्मूला आता है 1/√L/C, यह होता है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर या कैपेसिटर विद रेस्पेक्ट टू रेजिस्टर ना, जिसका फॉर्मूला फाइनली ये आता है। इस फॉर्मूले में आप पुट अप करो सारी वैल्यू, आर भी पता है, सी पता है बेटा आपको, एल भी पता है ना,
तो इसे यहाँ से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, कार्बन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम ऑल हैव फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हाँ, सबकी वैलेंसी में जो है चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है ग्रुप 14 के एलिमेंट्स में आते हैं ना। देन व्हाई सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर सेमीकंडक्टर्स बट कार्बन इज एन इंसुलेटर। देखो बेटा क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि भाई फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो सेमीकंडक्टर्स कैटेगरी में आएंगे ना। तो इस पे क्या है कि यहाँ पे एक एनर्जी बैंड डायग्राम के बेस पे बताया गया है कि भाई जिनका एनर्जी लेवल, जो एनर्जी गैप है, यदि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगा तो वी कैन कॉल इट इंसुलेटर, यदि बेटा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा तो वी कैन कॉल इट सेमी कंडक्टर्स ना। और जब आपका एनर्जी गैप जो है नियर अबाउट जीरो होगा, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा होगा, जहाँ पे आपका वैलेंस और कंडक्शन बैंड ओवरलैपिंग करते हैं ना, तो बेटा वो किस कैटेगरी में आएंगे, वो आपके कंडक्टर्स की कैटेगरी में आएंगे ना। तो ये आपकी एनर्जी बैंड एनर्जी गैप के हिसाब से भी इसको जो है कैरेक्टराइज किया गया है। अब देखो यहाँ पे भी यही होता है, जो सिलिकॉन है उसका, सिलिकॉन जर्मेनियम का जो एनर्जी गैप है वो बेटा 3 से कम आता है, इसलिए हम इसे सेमीकंडक्टर बोलते हैं। लेकिन जो कार्बन है, कार्बन का जो एनर्जी गैप है वो आई थिंक 4.23 के आसपास होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, तो दैट इज मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना। सो इसलिए किसमें आता है, ये इंसुलेटर कैटेगरी में आता है, ठीक है। आगे देखो फटाफट क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहे हैं कि नेम द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच आर यूज इन डिस्ट्रॉइंग कैंसर सेल। कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो नाम लिखना है यहाँ पे, कि जो किस में काम आती है, डिस्ट्रॉइंग कैंसर सेल में काम आती है। तो बेटा आपको पता होगा कैंसर सेल में कौन सी काम आती है, गामा रेज काम आती है ना, ठीक है। इसका आप यूज याद रखेंगे, जो भी आपकी ईएम वेव्स है ना, सातों का आपको यूज थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, उनका फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ का चार्ट पता होना चाहिए आपको, कि कौन सी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, किसकी कहाँ से कहाँ लाई करती है, और वेवलेंथ भी। और तीसरी बात बेटा, इनका प्रोडक्शन भी आपको पता होना चाहिए, हर साल पेपर में प्रोडक्शन पक्का पूछा जाता है, एक ना एक का इस तरह का क्वेश्चन 3 मार्क्स में जरूर आएगा आपके पास, लेकिन उसमें प्रोडक्शन का भी जिक्र होगा, कहाँ से ये प्रोड्यूस होती है। तो बेटा उसका चार्ट का आप रट्टा मार लेना अच्छे से, लेकिन यदि आपके पास उसका चार्ट नहीं है तो आप मुझे बता देना, मैं यहाँ पे जो है चार्ट प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपने, ठीक है बेटा। चल देखो फटाफट, तो कैंसर सेल में कौन सा आता है, गामा रेज होती है। कोशिंग टेनिंग ऑफ स्किन ना, जो स्किन पे टेनिंग आती है ना, उसे हटाने के लिए क्या काम आता है, सॉरी जिसकी वजह से टेनिंग आ जाती है ना, उसकी वजह से कौन सी होती है, आपको पता है यूवी रेज होती है, ठीक है बेटा। मेंटेनिंग द अर्थ वार्म, अर्थ को वार्म करने के काम कौन सी आती है, आईआर होती है आपकी, है ना, इंफ्रारेड आती है, राइट राइट। ब्रीफली ए मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी वन ऑफ दीज, देखो आ गया ना भाई, कि किसी भी एक को इन चारों, इन तीनों में से, गामा, यूवी या आईआर में से प्रोड्यूस करने का मेथड लिखे ना, तो ये आप याद कर लेना अच्छे से, ठीक है बेटा। अगले वाला पार्ट देखो, और स्टेट बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, ये भी आपको पता ही है कि जो बोर्स की क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या होती है बेटा, कि जो एल है आपका वो एन एच अपॉन में 2 पाई होता है, जिसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई होगा, वही आपकी क्या होगी, स्टेबल ऑर्बिट में रहेंगे, अदरवाइज नहीं घूमेंगे, ठीक है बेटा, नहीं रहेगा ना। तो इसे बोलते हैं हम क्वांटाइजेशन कंडीशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एन एच अपॉन में 2 पाई होना चाहिए उनका एंगुलर मोमेंटम, ठीक है बेटा। आगे लिखा, कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द ब्रैकेट सीरीज एंड स्टेबल टू विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग्स ना। देखो बेटा ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि आपका, आपके पास 5 सीरीज होती है, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट और पीफंड ना। तो ब्रैकेट का मतलब है जो N1 की वैल्यू है वो तो बेटा आपकी 4 है, ठीक है। और यहाँ शॉर्टेस्ट लिखा हुआ है ना, देखो किसी भी चीज की शॉर्टेस्ट यदि आपसे पूछा गया है तो आप एक बात ऑब्जर्व करना बेटा, शॉर्टेस्ट जहाँ भी लिखा आ गया ना, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बेटा कब आती है, जब उसकी जो एनर्जी है वो मैक्सिमम होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है एनर्जी होता है बेटा E इक्वल टू SC अपॉन लैम्डा होता है। तो लैम्डा, यदि लैम्डा क्या है, इनवर्सली टू एनर्जी है ना, यदि एनर्जी आपका मैक्सिमम होगा तब जाके लैम्डा क्या होगा, शॉर्टेस्ट बनेगा ना। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए जो N2 है वो ऑलवेज आपको इन्फिनिटी रखना है, किसी भी चीज के लिए ना, चाहे यहाँ लाइमन सीरीज आती, चाहे बाल्मर, चाहे कुछ भी आता ना, आपको N2 की वैल्यू इन्फिनिटी लेनी है। और यदि यहाँ देखो जो भी आपकी सीरीज हो, जैसे यहाँ ब्रैकेट लिखा हुआ है, तो N1 तो 4 हो गया आपका और N2 आपका क्या हो गया, इन्फिनिटी। तो यहाँ से आप इजिली रिडबर्ग इक्वेशन से आप वेवलेंथ निकाल सकते हो। तो देखो रिडबर्ग इक्वेशन क्या बोलती है, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन N2 स्क्वायर, ये आती है। इसे आप पुटअप करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आर हो गया बेटा, यहाँ पे आ गया 1 अपॉन 16 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0 हो जाएगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0। सो लैम्डा इज इक्वल टू आ गया बेटा 16 डिवाइड बाई आर।
आर की वैल्यू पुट अप करो, आप इजीली यहाँ से लैम्डा निकाल सकते हैं, ठीक है। आर एक कांस्टेंट है, ये आपके एग्जाम में जो पेपर आएगा ना उसमें गिवन रहता है ऑलरेडी, कांस्टेंट की वैल्यू 1.09 × 10⁻¹, ठीक है बच्चे। इसे आप यहाँ पुट अप करेंगे तो आपकी वेवलेंथ निकल जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। लिखा है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर इज हेल्ड अंडर लिक्विड हैविंग रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मोर देन द एयर और मिरर, ना व्हाट विल बी इट्स फोकल लेंथ चेंज। देखो बट आपको मैंने एक बात बताई थी इसमें ना, और यहाँ भी बता देता हूँ, आप ध्यान रखना। यदि आपके लेंस का जो आपका लेंस है उसका जो ग्लास है बेसिकली उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स यदि आपका ज्यादा है एज कम्पेयर टू मीडियम के, पहला केस। दूसरी बात, यदि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम है एज कम्पेयर टू मीडियम के। तीसरा बेटा, यदि आपका ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बराबर है मीडियम के, ना देखो यदि बराबर होगा तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, फोकल लेंथ जितनी थी जो कि तू बनी रहेगी उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक, और उसकी पोलैरिटी भी चेंज नहीं होगी, ध्यान रखना। दूसरी बात देखो, यदि आपका पहला केस देखो ग्रे, यदि आपका ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है मीडियम से ना, तो जैसे ग्लास था वैसे ही बिहेव करेगा, लेकिन फोकल लेंथ ऑलवेज बढ़ जाएगी उसकी, ना ठीक है, फोकल लेंथ विल बी इंक्रीजेस, ना। तीसरा सेकंड केस देखो, जो ग्लास है आपका यदि उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम है, मतलब आपने ज्यादा मीडियम वाले रिफ्रेक्टिव इंडेक्स में डुबोया है, तो उसकी पोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी। यदि वो कॉनकेव है तो बेटा कॉनवेक्स की तरह बिहेव करेगा, और यदि कॉनवेक्स है तो वो कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा। पहली बात तो पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, और फोकल लेंथ तो ऑलवेज ऑलवेज क्या होगा, इंक्रीजिंग होगी। यदि आप कम मीडियम वाले में डुबो दे उसको, या आप उसे ज्यादा वाले में डुबो दे, ठीक है, फोकल लेंथ ऑलवेज क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है, और क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एन अल्फा एंड एक प्रोटॉन, ना आपके पास दो पार्टिकल है, यहाँ कर लेते हैं इसे, एक अल्फा है बेटा, एक आप थोड़ा सा ये हल्का कर लेते हैं, एक अल्फा है बेटा, एक आपके पास प्रोटॉन है, ठीक है। दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम है, काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो आपको मैंने ऐसे क्वेश्चन करने सिखा रखे हैं पहले, लेकिन फिर भी जो पहली बार देखा है तो इजीली समझ लीजिए कैसे करते हैं। देखो, आर इन टर्न अलाउड टू पास थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड बी एक्टिंग नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो आप देखो आपको क्या गिवन है, काइनेटिक एनर्जी सेम है ना, तो आप पहले बेटा ये देखो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है इसका, रेडियस होता है बेटा इसकी एम वी अपॉन में क्यू वी। यदि कोई चार्ज पार्टिकल जो है मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उसकी जो रेडियस है जो सर्कुलर पाथ में मूव करता है, जिसकी वजह से उसकी रेडियस कितनी आती है, एम वी अपॉन में क्यू बी ना। लेकिन एम वी क्या है, एम वी हमारा मोमेंटम होता है, तो वी कैन राइट पी अपॉन में क्यू बी आ गया ये ना। तो अब यहाँ पे देखो पी वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना बेटा, हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है जिसमें काइनेटिक एनर्जी आती है ना। तो फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट पी इंटू काइनेटिक एनर्जी, और जो पी होता है वो होता है बेटा ट्वाइस एम के का स्क्वायर रूट डिवाइड बाई क्यू इंटू बी। अब देखो जो इसमें सेम चीजें हैं उसे आप हटा दीजिए ना, जैसे टू आपका कांस्टेंट है हट जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बोला सेम है हट गया। अब देखो मास मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है हट जाएगा, तो आपको जो रेडियस है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है, रूट एम डिवाइड बाई क्यू पे ना, ठीक है बेटा। यदि मैं प्रोटोन के केस में बात करता हूँ, आपसे पूछा गया था इनका रेशियो ना, अब देखो अल्फा ऊपर है कि पहले है, अल्फा अल्फा पहले है ना, तो बेटा यहाँ आप देखेंगे आर अल्फा, यहाँ एम अल्फा, ये क्यू अल्फा, पहली इक्वेशन आ गई। सेम वे में आप आर प्रोटॉन लिखेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, रूट एम पी डिवाइड बाई क्यू पी, आप दोनों को डिवाइड मार दीजिए तो आपका रेशियो यहाँ से निकल जाएगा, आर अल्फा बाई आर पी क्या बनेगा हमारे पास, क्यू पी ऊपर आ जाएगा देखो बेटा, तो क्यू पी डिवाइड बाई क्यू अल्फा आ गया, और स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, एम पी नीचे रहेगा, एम अल्फा ऊपर रहेगा, एम अल्फा डिवाइड बाई एम पी, ये आ गया। और सारी वैल्यू पुट अप कर देखो, जो चार्ज जो प्रोटॉन होता है वो मान लो क्यू है, और अल्फा का चार्ज जो है उसका डबल होता है टू क्यू है, स्क्वायर रूट के अंदर मास ऑफ अल्फा होता है चार गुना होता है प्रोटॉन का, नीचे एम आ गया, एम से एम कट गया बेटा, ये टू से क्यों कट गया, वन अपॉन टू यहाँ है और इसका भी टू बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट लेके, तो ये आ गया 1:1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1:1 है 25th का आंसर, ठीक है बच्चे। अगले क्वेश्चन अब आ जाओ फटाफट से, सेक्शन नंबर सी आ गया हमारे पास, ठीक है, तीन मार्क्स वाले क्वेश्चन आ गए हैं। ये क्या बोल रहे हैं, ए सोर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, आपको मैग्नेटिक मूवमेंट गिवन है यहाँ पे 0.32 जूल पर टेस्ला, ठीक है बेटा, इस प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी पता है यहाँ पे कितनी है, 0.15 टेस्ला। इफ द बार इज फ्री टू रोटेट इन ए प्लेन ऑफ फील्ड विच ओरिएंटेशन वुड कोरस्पॉन्डिंग टू इट्स स्टेबल एंड अनस्टेबल। देखो बेटा स्टेबल की कंडीशन होती है कि जब आप थीटा जो है कितना होना चाहिए, जीरो डिग्री हो,
और अनस्टेबल कितना होता है जब थीटा 180 डिग्री है, ठीक है। ठीक है, आपके पास एक एनर्जी का फॉर्मूला आता है आपको याद हो तो, माइनस का एम बी कोस ऑफ थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है स्टेबल और अनस्टेबल कंडीशन निकाल लेते हैं, ठीक है बेटा, स्टेबल और अनस्टेबल, ठीक है, ध्यान रखना। आगे पूछा है व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मैग्नेट इन ईच केस, ना यदि मैं थीटा जीरो रहेगा, स्टेबल वाली कंडीशन रहेगी, स्टेबल तो थीटा की वैल्यू जीरो है, तो आप यहाँ से एनर्जी निकाल सकते हैं आसानी से, माइनस का एम बी कोस जीरो। अब बेटा कोस जीरो की वैल्यू क्या होती है, वन होती है, दिस विल बी माइनस का एम बी बन गया। एम की वैल्यू बच्चे आपके पता ही है 0.32, मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा बेटा 0.15 आ गया। इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूसरे केस में बोला अनस्टेबल वाले में भी निकालो, तो बेटा अनस्टेबल का मतलब होता है थीटे की वैल्यू 180 डिग्री, तो यहाँ पे इस बार 180 डाल देंगे, तो ये बन गया हमारे पास माइनस का एम बी कोस ऑफ 180 ना, और कोस 180 की वैल्यू बेटा माइनस 1 होती है, दिस विल बी प्लस, तो ये प्लस का एम इंटू बी आ गया। एम इंटू की वैल्यू सॉरी गिवन है, एम बी पता है आपको, एम बी भी पता है, दोनों वैल्यू बच्चे यहाँ पुट अप कर दो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 27। 27 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मैनी, ये बेटा ये भी अच्छा क्वेश्चन है बहुत ना, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान रखना, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट में डालो इसके क्वेश्चन को। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, मतलब आपको एन की वैल्यू बतानी है, मस्ट बी एडेड टू वन प्लेट एंड रिमूव फ्रॉम अदर सो एज टू स्टोर 25 जूल, आपको एनर्जी गिवन है बेटा 25 जूल्स ना। आपको पता होगा जो कैपेसिटर है ना, कैपेसिटर का जो बेटा एनर्जी का डेरिवेशन है वो इस बार सिलेबस से बाहर है, लेकिन उसका क्वालिटेटिव आइडिया है, मतलब उस पर न्यूमेरिकल आ सकता है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना। तो आपको एनर्जी गिवन है 25 जूल ना, इन एक कैपेसिटर की वैल्यू पता है 5 नैनो फेरड ना, ठीक है, तो सी की वैल्यू आपको पता है 5 नैनो फेरड है, आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, आपको एन की वैल्यू बतानी है। तो देखो बेटा एन आपको निकालना है तो फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट चार्ज निकालना पड़ेगा ना, तो आपका एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 Q² / C होता है, इसके तीन फॉर्मूले होते हैं, लेकिन आपको चार्ज चाहिए ना और एनर्जी उसी है आपके पास है, इसलिए आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो यहाँ से आप क्यू निकाल लेते हैं, तो बेटा क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2C U का स्क्वायर रूट आ गया, तो अभी इसे यहाँ से स्क्वायर हटा दो तो यहाँ पे रूट लग जाएगा। आप यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए इसकी वैल्यू, 2 × C की वैल्यू बेटा हमारे पास है ही 5 है, नैनो 10^-9 का 9 हो जाएगा, × U की वैल्यू 25 है हमारे पास, यहाँ आपने इसे सिंप्लीफाई किया तो बेटा इसकी आंसर कितना आ जाएगा इसका, ये 25 × 5 × 10 250 आ गया बेटा, यहाँ से 5 है तो बेटा ये आ गया 5 × 10^-4, ठीक है, ये आपका इतना चार्ज आ गया कुल ना, क्योंकि वैल्यू आपके पास आ गई है कितनी 5 × 10^-4 कूलम। आपको निकालना क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना, तो आपने वो पढ़ रखा होगा बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ना, Q = N × E होता है, तो यहाँ से एन की वैल्यू निकाल सकते हैं चार्ज पर यूनिट ई। सो चार्ज हमारे पास आ चुका है 5 × 10^-4 डिवाइड बाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज बेटा 1.6 × 10^-19। इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चा ये आंसर आ जाएगा 3.125 × 10^15। तो इतने आपको इलेक्ट्रॉन जो है क्या करने पड़ेंगे, प्लेट पे ऐड करने पड़ेंगे। सेकेंड पार्ट देखो बेटा, बी पार्ट क्या बोल रहा है इसका, बी वाला पार्ट बोल रहे हैं हाउ वुड यू मॉडिफाई दिस कैपेसिटर, आप इस कैपेसिटर को कैसे मॉडिफाई करेंगे सो दैट इट कैन स्टोर 50 जूल, मतलब अभी ये एनर्जी ज़्यादा डबल में स्टोर करें ना, मतलब अपने एनर्जी डबल चाहिए आपको ना, तो यू है वो क्या चाहिए आपका 2U चाहिए आपको ना, विदाउट चेंजिंग द चार्ज ऑन द प्लेट, आपका क्यू सेम ही चाहिए लेकिन चार्ज सेम रहते हुए आपकी एनर्जी डबल हो जाए, तो आप क्या करेंगे इसको मॉडिफाई, मतलब इसके जो सेपरेशन है प्लेट की सेपरेशन घटाएंगे बढ़ाएंगे, या आप जो है इसका एरिया घटाएंगे बढ़ाएंगे, आपको वो देखना है ना। देखो बेटा आपको चार्ज का फॉर्मूला ऑलरेडी पता था हमारे पास क्या था, 2 Cu का स्क्वायर रूट था ना, अब इसने बोला है कि चार्ज सेम रहना चाहिए भाई, चार्ज सेम रहेगा, चार्ज सेम कब रहेगा, यदि C जितना बढ़ेगा उसी रेशो में U घटेगा ना, अब इसने बोला है कि U को आपने डबल कर दिया है, समझना बेटा, देखो U क्या करा आपने डबल कर दिया, इसका मतलब जो C है उसी रेशो में हाफ हो जाएगा, क्योंकि भाई जब U आपने डबल करा है, ये 2U बना दिया आपने, तो C को तो हाफ होना पड़ेगा, तब जाके तो आपका चार्ज सेम रहेगा, 2Cu तभी तो सेम टू सेम आएगा। तो ध्यान रखना आपके, आपने U को डबल किया इसका मतलब आपका चार्ज जो कैपेसिटेंस है दैट मस्ट बी हाफ होना चाहिए ना, और जो कैपेसिटेंस है वो हाफ कब होगा बेटा, आपने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपके पास आता ही है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है εo(a/d) ना, तो बेटा सी हाफ कब हो जाएगा, आप सोच के देखो, यदि आपका सी हाफ कब होगा, यदि आप डी जो सेपरेशन है उसको यदि आप डबल कर दे,
क्योंकि डबल करते नीचे 2 आ जाएगा, या फिर एरिया को आप हाफ कर दें। तो आप बस ये मॉडिफिकेशन कर सकते हैं उसमें ना, कि आपका जो कैपेसिटर है उसमें से या तो डिस्टेंस को, जो सेपरेशन है प्लेट के बीच की, उसको बच्चे डबल कर दीजिए, और जो उसका एरिया है उसको हाफ कर दीजिए। ऑटोमेटिकली आपका क्या रहेगा, एनर्जी डबल हो जाएगी, चार्ज आपका फिक्स रहेगा। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 28। 28 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट द ऑर्बिटल पीरियड। आपको टाइम पीरियड मतलब टी बताना है ना, कि टी की वैल्यू क्या हो जाएगी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। सेकेंड एक्साइटेड का मतलब होता है बेटा एन की वैल्यू 3, ऑफ द हाइड्रोजन एटम जेड की वैल्यू आपके पास 1 है ना। तो आपको टाइम पीरियड निकालना है। तो बेटा देखो, आपको पता है टाइम पीरियड का बेसिक सा एक फॉर्मूला होता है 2π/ओमेगा, और ओमेगा को यदि मैं कन्वर्ट कर दूं, v=r ओमेगा होता है, तो ओमेगा ओमेगा यहाँ से बेटा v/r, यहाँ आप पुट अप कर दो इसे 2π/v r, ऊपर चलाए घूम के ना, तो टाइम पीरियड का हमारे पास कॉमन फॉर्मूला आ गया 2π/r/v। ठीक है बेटा, ये हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया। तो बस आप n=3 के लिए यहाँ से r निकाल लो और v निकाल लो। r का फॉर्मूला आपको पता है बेसिक सा, r क्या होता है यदि ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं 0.53 होता है, लेकिन यहाँ n स्क्वायर होता है। ठीक है, n स्क्वायर ना, तो अब देखो n की वैल्यू यहाँ 3 डाल दो, 3 3 9, तो 9 टाइम्स हो जाएगा r। तो ये हमारा r आ गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ आप r पुट अप कर देंगे ये वाली वैल्यू। v निकालना है, v का भी आपका फिक्स फॉर्मूला है एक ना, v की वैल्यू होती है बेटा 2.5 × 10^6 डिवाइड बाई एन आता है यहाँ पे ना, क्योंकि वी जो है वो इनवर्सली टू 1/n होता है। ये मैं हाइड्रोजन केस में बता रहा हूँ, ध्यान रखना। तो बेटा यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट अप कर दो, 2.2 × 10^6 / n। n कितना है, n की वैल्यू आपको बताया 3 है, इसे आप डिवाइड मारो, ये वैल्यू आएगी, इसे भी यहाँ पुटअप कर दो, तो आप इजिली जो है टी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर इसका बी पार्ट देखो, वॉट विल बी द आयनाइजेशन पोटेंशियल। देखो बेटा, आपको पता होना चाहिए पहली बात कि आयनाइजेशन पोटेंशियल होता क्या है। तो बेटा एक्चुअली क्या होता है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब होता है कि भाई जो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी होती है ना, आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि वो मिनिमम एनर्जी जो किसी इलेक्ट्रॉन को सफिशियंट होती है कि वो वहां से अपना ऑर्बिट अपना छोड़ देता है ना, मतलब आउट होता है, एटम निकल जाए ना वो, तो उस मिनिमम एनर्जी को गेन करने के लिए ना, जो हम पोटेंशियल जो हम उसे एक्सीलरेट करते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स को, उसी को बोलते हैं हम क्या, आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं उसको ना। ठीक है बेटा, तो इसकी वैल्यू जो होती है क्या होती है, जो भी आपका इलेक्ट्रॉन है जितनी भी उसकी एनर्जी है ना किसी भी चीज की, जैसे मान लो यदि मैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल देखूं किसका, हाइड्रोजन का ना, तो ये हो जाएगा आपका 0 पे भेजना है हमें ना अपने उस ऑर्बिट से निकालना है, और ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा हूँ तो -13.6 उसकी एनर्जी होती है, तो बेटा उसका जो पोटेंशियल है वो कितना बन जाएगा, 13.6 वोल्ट बन जाएगा ना। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पढ़ लेते हैं फटाफट से, क्या बोल रहा है आपको, आयनाइजेशन एनर्जी पोटेंशियल बताना है इफ द फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल। देखो फर्स्ट एक्साइटेशन का मतलब है n की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2 है, ऑफ ए गिवन एटम इज दिस ना, आपका जो पहला एक्साइटेशन पोटेंशियल है उसकी वैल्यू है 10.2, इसका मतलब वो ग्राउंड स्टेट से कहाँ जा रहा है, n=2 में जा रहा है ना। तो आप ये देख लो पहले, जो उसकी पहले एनर्जी मान लेते हैं हम e है इनिशियली, ठीक है, और वो कहाँ चला गया, n=2 में चला गया, तो जो उसकी एनर्जी है बेटा वो कितनी बन जाएगी, -13.6 डिवाइड बाय आपने पढ़ रखा है ये n स्क्वायर होता है, और ये 13.6 तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है जो e है हमारे पास, तो ये तो हमारी e हो गई, और डिवाइड बाय n स्क्वायर, तो 2 × 4 हो गया, तो जो आपका e2 वाली एनर्जी हो गई वो कितनी बन गई, -e/4 हो गया। और हमें गिवन है कि इनका रेशियो ना, जो ग्राउंड स्टेट से जब वो e=2 में जा रहा है ना, मतलब कि e−e/4 = हमारे पास गिवन है बच्चे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना। अब आप यहाँ सिंपलीफाई कर लो इसको फटाफट से, इसे आप इजीली जो है निकाल सकते हैं यहाँ से e की वैल्यू ना, तो ये हो गया 3 4e - e डिवाइड बाई आ गया 3 / 4 = 10.2 आ गई, तो यहाँ से आप e निकाल सकते हैं इजीली, तो e की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 3.3, जो भी आएगा हमारा 13.6 आएगा यहाँ से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ध्यान रखना ये भी एक केस ना आप, कि जो आपका हाइड्रोजन केस के लिए पोटेंशियल होता है ना, उसकी वैल्यू 13.6 आती है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बच्चे, अगले क्वेश्चन, सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं, वोल्टेज आएगा, ठीक है जी, है ना, ये पोटेंशियल है। अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर इसका और पार्ट देखो ना, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द रेशियो ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ। आपको जो है डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो बताना है, एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन और द सेकंड एंड थर्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। सेकंड का मतलब हो गया n की वैल्यू 3 हो गई,
और थर्ड एक्साइटेड का मतलब हो गया बेटा n की वैल्यू 4, ठीक है। तो दोनों केसेस में आपको वेवलेंथ के रेशियो बताने हैं। तो आपको बताया बेटा, देखो वेवलेंथ बेसिकली क्या होता है, आपने पढ़ा है डी ब्रोगली का, 2 पाई आर जो है वो एन लैम्डा के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन ये तो जो है यहाँ आर और एन में रिलेशन है, लेकिन हमें चाहिए लैम्डा और किसमें, एन में ना। तो आर को पहले यहाँ से हटा लो, यही हाइड्रोजन की बात कर रहा है, तो इसको जेड की वैल्यू 1 है, और जो आर है वो क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर होता है। यदि आर की जगह एन स्क्वायर देते हैं, कैंसिल एन कट जाएगा, तो बेटा लैम्डा किसके आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन पे आ गया ना, ठीक है। तो हमें पूछा गया था किसका एन इक्वल टू 3 और एन इक्वल टू 4 का रेशियो ना, तो नॉर्मल की बात है 3:4 आ गया। तो यदि मैं लैम्डा सेकंड एक्साइटेड का मतलब हो गया एन 3, तो दिस इक्वल टू 3 आ गया, और थर्ड का मतलब हो गया एन 4, दिस इक्वल टू 4, दोनों का रेशियो आ गया बेटा 3:4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3:4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है इसमें सेकंड पार्ट में, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन, आपको लैम्डा बताना है और एनर्जी गिवन है। सीधा फॉर्मूला लगा दो बेटा, ई इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा ना। तो एच की वैल्यू पता है, सी की वैल्यू पता है, और लैम्डा हमें निकालना है, तो लैम्डा इधर चला जाएगा। सो बेटा ये हो जाएगा एच सी अपॉन में ई इक्वल टू लैम्डा ना, ठीक है। यहाँ से आप निकाल सकते हैं इजिली, एच की वैल्यू डालो, सी की डालो, एनर्जी बेटा ये भी हमारे पास, तो आपका लैम्डा इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। फटाफट देखो अगले क्वेश्चन पे आ जाए, डिफाइन द टर्म वेव फ्रंट ना, ठीक है। आपको वेव फ्रंट डिफाइन करना है, आपको बताया आप, ये मैंने कई जगह बता चुका हूँ पहले से, जो सैंपल पेपर डाल रखे हैं, कॉमन क्वेश्चन है बेटा, तो ये आपको सारे कॉमन क्वेश्चन आने चाहिए ना, जो अलग से हटके क्वेश्चन है ना, तो आप वो सैंपल पेपर से क्वेश्चन करें बस ना, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ मैक्सिमम सैंपल पेपर लगाने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ी बहुत हेल्प हो सके ना। और यदि मैं ये इतना मैं विश्वास दिला सकता हूँ बेटा आप लोगों को, यदि आपने सारे मेरे PYQs कर लिए, दूसरी बात सैंपल पेपर जो लगवा रहा हूँ ना मैं, चाहे वो ओसवाल के हो चाहे वो एग्जाम आइडिया के हो, अभी ओसवाल के सैंपल पेपर खत्म होने के बाद, अभी एक वो सैंपल पेपर बचा है इसके बाद अनसोल्ड वाला, उसके बाद एग्जाम आइडिया के सैंपल पेपर मैं शुरू कर दूंगा, ठीक है बच्चे। और कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो बना रहा हूँ कि एक MCQs पे पूरी की पूरी जो सेकेंड बुक है ना, सेकेंड बुक के इकट्ठे आपको सारे MCQs मिल जाए, केस बेस्ड स्टडी मिल जाए, और आपका एसएससी रीजनिंग भी एक जगह मिल जाए। जो मैंने सीरीज रोक दी थी ना, उसे भी मैं शुरू कर रहा हूँ, अभी एक दो चार दिन में मैक्सिमम हो सकता है कि वीडियो आ जाएगी पूरी की पूरी, जिसमें सारे सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है बच्चे। अगले क्वेश्चन पे आओ देखो, हाँ मैं बता रहा था वेव फ्रंट क्या होता है, ये थ्योरेटिकल पार्ट है कि वेव फ्रंट क्या होता है, लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज ना, इसे आप याद कर लेना। और हाइगेंस की थ्योरी देखो, यहाँ पे हाइगेंस की थ्योरी के हिसाब से आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या करना है, ड्राइव करके दिखाना है। ये मेरी डेरिवेशन वाली वीडियो में आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं आसानी से, ठीक है बेटा। डिफाइन द टर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये आप इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि जो म्यू होता है वो क्या होता है, स्पीड इन वन मीडियम बाय स्पीड इन सेकंड मीडियम, या स्पीड ऑफ लाइट सी अपॉन वी भी होता है, यदि आपका पहला मीडियम एयर और दूसरा कोई भी मीडियम हो ना, तो दिस विल बी रेशियो ऑफ V1 बाय V2 होता है, ठीक है। इसने इस लो को वेरीफाई करना है जब एक प्लेन वेव फ्रंट जो है डेंसर टू रेयर जा रहा हो, ये बेटा आपको उसमें मिल जाएगा मेरी वीडियो वाले में, ठीक है। और एक बात बता दूं आपको, हाइजेंस की थ्योरी पे बेस ना हर साल ये क्वेश्चन आता है पक्का ना, कि हाइजेंस की थ्योरी के बेस पे आप या तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ करो या बेटा आप लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूफ करो, दोनों में से एक तो आ ही जा रहा है इसके, तो ये कॉमन क्वेश्चन है, ये आपको आने चाहिए, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 30 देखो क्या लिखा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स ना, आपको एन और पी टाइप सेमीकंडक्टर को एनर्जी बैंड डायग्राम के हिसाब से बताना है। तो आप इजीली बता सकते हैं बेटा, देखो एन टाइप में क्या होता है और पी टाइप में क्या होता है। एन टाइप में जो है डोनर लेवल होता है वो कहाँ आता है, वो आपका कंडक्शन बैंड से नीचे लगता है, ये आपका वैलेंस बैंड है, ये भी मैंने बेटा वहाँ पे डिस्कस कर रखा है, ठीक है। इसे आप मेरी जो PYQ है ना सेमीकंडक्टर वीडियो, उसमें आप इजीली देख सकते हैं इसको, वो 30-40 मिनट की वीडियो है, उसमें से आप आसानी से 7 नंबर ले सकते हैं। यदि किसी बच्चे ने सेमीकंडक्टर नहीं भी पढ़ा है ना, तो आप केवल वो वीडियो देखो, वहाँ पे पूरा कंसेप्ट है, आप अच्छे से उसमें PYQs भी सारे हैं उसी वीडियो के अंदर है 40-50 मिनट में, और कंसेप्ट भी पूरा है उसमें ना, तो आपको वहाँ 7 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं बेटा आप, ठीक है। तो जो एन टाइप में जो आपका डोनर लेवल होता है वो यहाँ लगता है इसके पीछे ना, कंडक्शन बैंड से नीचे लगता है, लेकिन पी टाइप में जो एक्सेप्टर लेवल होता है बेटा वो वैलेंस बैंड के ऊपर लगता है, ठीक है। बस ये आप देख लेना उसमें से, ठीक है, यही यहाँ पे बताना था बस। दूसरी बात क्या लिखी है, कंपेयर देयर कंडक्टिविटी एट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एंड एट ए रूम टेम्परेचर, आपको जो है इनकी कंडक्टिविटी को जो है क्या करना है, कंपेयर करना है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे और रूम टेम्परेचर पे। देखो बेटा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मतलब होता है माइनस में ना, कि माइनस का 273.15 डिग्री सेल्सियस या फिर जीरो केल्विन ना,
इस टेम्परेचर पे पूछ रहा है आपके ना जो कंडक्टिविटी है। तो बेटा देखो एब्सोल्यूट जीरो पे तो क्या होगा कि जो इनकी कंडक्टिविटी है दोनों को ही, चाहे वो एन टाइप हो चाहे वो बेटा पी टाइप हो, जीरो रहेगी ना, क्योंकि कोई भी आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन में पहुंच ही नहीं पाता। ठीक है, तो क्या रहेगा एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो कंडक्टिविटी क्या रहेगी, विल बी जीरो। ठीक है, ध्यान रखना, तो कंडक्टिविटी ऑफ बोथ विल बी जीरो। लेकिन यदि हम बात करें कि इसकी रूम टेम्परेचर की, रूम का मतलब होता है बेटा 27 डिग्री सेल्सियस हम बेसिकली लेते हैं, या इसे हम 300 केल्विन भी लिख सकते हैं, 273 ऐड कर देते हैं ना डिग्री सेल्सियस में तो हमें केल्विन मिल जाता है, तो ये 300 केल्विन है। ठीक है, तो ये बोल रहा है रूम टेम्परेचर पे क्या होगा कंपेयर। देखो आपको पता है बेटा रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, जैसे हम यदि हमने डोपिंग बराबर करी है ना, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो एन टाइप की सेमी कंडक्ट जो एन टाइप की कंडक्टिविटी होती है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू पी टाइप की कंडक्टिविटी से ना। क्यों? क्योंकि भाई एन टाइप में क्या होते हैं जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो किसकी वजह से होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्टिव वो रहते हैं ज्यादा एज कम्पेयर टू होल्स के ना। ठीक है, तो मेजोरिटी में यहाँ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं या इसमें होल्स रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए एन टाइप की जो कंडक्टिविटी है वो ज्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू पी टाइप के एट रूम टेम्परेचर। ठीक है बच्चे, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन सेक्शन नंबर डी आ गया अपना, ये क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31, इसमें लिखा है द वर्क फंक्शन डब्ल्यू आपको गिवन है, ऐसे हम फाइव से भी डिनोट करते हैं। ठीक है बेटा, ये एक्स एक मेटल है जिसका वर्क फंक्शन की वैल्यू पता है 3 × 10⁻¹⁹ J। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स, आपको एन की वैल्यू बतानी है। इफ वेवलेंथ कितनी है हमारे पास, लैम्डा हमें गिवन है 26.52 नैनोमीटर, कितनी वेवलेंथ जो है वो डाली जा रही हो तो ना। अब आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ऑफ लाइट वेवलेंथ इतने हुज टोटल एनर्जी इक्वल टू डब्ल्यू ना। अब निकालो फटाफट से, देखो आपको वर्क फंक्शन गिवन है, आपको एन निकालना है ना, तो बेसिकली वर्क फंक्शन का मतलब ही होता है एनर्जी से ना। तो आपकी एनर्जी क्या होती है, एच इंटू न्यू है ना, लेकिन यहाँ एन नंबर ऑफ फोटोन्स की बात कर रहा है ना, तो यहाँ से हम इसमें एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मेरे को एन ही चाहिए और फाइव मेरे को पता है, तो न्यू को हम सी की फॉर्म में लिख लेते हैं, तो ये बन गया मेरा एन एच सी बाई लैम्डा हो गया आपका, ये फाइव है आपके पास, तो आपको फाइव तो नहीं चाहिए, आपको एन चाहिए ना, तो आप यहाँ से एन का वैल्यू फॉर्मूला कैलकुलेट कर लो, इसे हटा दो यहाँ से, तो बेटा एन क्या हो जाएगा यहाँ से, ये बन गया फाइव इंटू एच सॉरी फाइव इंटू लैम्डा डिवाइड बाई एच इंटू सी। तो बस फाइव की वैल्यू पता है बेटा मेरे पास 3 × 10⁻¹⁹ है, इंटू लैम्डा की वैल्यू पता है 26.52 × 10⁻¹⁹ डिवाइड बाई एच, एच की वैल्यू भी आपको पता है 6.63 × 10⁻¹¹ इंटू स्पीड ऑफ लाइट, तो आपको पता ही है 3 × 10⁻¹⁸। सारी वैल्यू नोन है आपको बेटा, आप इजिली से कैलकुलेट कर सके निकाल सकते हैं यहाँ पे ना, आप चेक कर लेना, इसका आंसर आना चाहिए आपके पास 4 × 10⁻² के आसपास। ठीक है, यूजिंग फोटोन्स पिक्चर ऑफ लाइट शो हाउ आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन कैन बी एस्टेब्लिश ना, ये बताना है कि भाई जो फोटोन पिक्चर है उसकी वजह से जो है आइंस्टीन की इक्वेशन को आपको ड्राइव करके दिखाना है ना। तो आइंस्टीन ने बेसिकली क्या बताया था कि यदि बेटा आपका कोई मेटल सरफेस है और यहाँ पे जो है ये बाउंड है इलेक्ट्रॉन ना, आप जो यहाँ से एनर्जी दे रहे हैं ना, तो वो एनर्जी दो चीज़ों में काम आती है, पहले तो यहाँ वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी होनी चाहिए, और दूसरा उसको बाहर निकालना है तो उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी देनी चाहिए ना, मतलब जो आप टोटल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो दो चीजों में काम आई, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ना। और टोटल एनर्जी क्या होती है बेटा, एच इंटू न्यू होती है जो फोटॉन्स की एनर्जी होती है, वर्क फंक्शन आपको होता है बेटा एच न्यू नोट प्लस का ये काइनेटिक एनर्जी होगी। यदि मैं इसे यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकाल लूँ तो बेटा ये बन गया एच न्यू माइनस का एच न्यू नोट, और इसे हम लिख सकते हैं एच कॉमन न्यू माइनस न्यू नोट, दैट इज कॉल्ड एनर्जी इक्वेशन किसकी, आइंस्टीन की। ठीक है बेटा, आगे पूछा है राइट टू फीचर्स ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट विच कांट बी एक्सप्लेन बाय द वेव थ्योरी ना, ये बोल रहा है कि दो ऐसे फीचर आपको लिखने हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के कि जो क्या है वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो पाए थे ना। देखो बेटा वेव थ्योरी में पहले आपको पता होना चाहिए, पहले बात तो थी टाइम लैग वाला फंडा ना, टाइम लैग का मतलब होता है कि भाई जब इलेक्ट्रॉन टकराएगा ना, जैसे ही आपने फोटोन्स डाले हैं ना, तो जब आप इसमें डाल रहे हैं फोटोन्स ना मेटल सरफेस पे, तो वो जो फोटोन्स है वो सारे इलेक्ट्रॉन्स में बढ़ जाया करते थे उसकी एनर्जी ना, तो इसलिए थोड़ा सा समय लगता था वहाँ पे ना निकलने में इलेक्ट्रॉन को, 10⁻¹⁹ सेकंड के आसपास लगता था। ठीक है, लेकिन फोटोन्स थ्योरी क्या बोलती है कि जैसे ही फोटोन्स टकराएगा एक और एक और बात ध्यान रखना बेटा, जो फोटोन्स थ्योरी है ना, सॉरी फोटोन्स थ्योरी मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाली थ्योरी ना, वो क्या बोलती है कि वन फोटोन और वन इलेक्ट्रॉन ना, तो जैसे आपका एक फोटोन टकराया है तो वो एक इलेक्ट्रॉन पे टकराता है जाके ना, और तुरंत जो है इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है जिसकी वजह से वो जो है इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है ना।
तो पहला तो टाइम लैग को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी वेव थ्योरी ने, जिसकी वजह से क्या हुआ वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने कर दिया, ठीक है। दूसरी बात कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बेटा फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, नो ना कि इंडिपेंडेंट होती है किसके ऊपर, इंटेंसिटी के ऊपर ना। लेकिन ये वेव थ्योरी बता रही थी कि काइनेटिक एनर्जी जो है इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये दो फीचर्स आप यहाँ बता देंगे इसको आसानी से। इसका और वाला पार्ट देखो फटाफट से, क्या बोल रहा है ये, यूजिंग द ग्राफ शोन इन फिगर ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट द प्लैंक कांस्टेंट। देखो बेटा प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है आपको पता होना चाहिए, कि जो स्लोप है, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ में वी नोट वर्सेस म्यू का जो ग्राफ है उसका स्लोप बेटा हमें क्या देता है, एच अपॉन ई देता है, ठीक है। एच यहाँ प्लैंक कॉन्स्टेंट होता है, तो यदि मैं ई इंटू स्लोप कर दूँ तो आप आसानी से जो है निकल जाएगा आपके पास ये वी नोट इंटू बी। तो यहाँ से ई की वैल्यू पता ही आपको 1.6 × 10⁻¹⁹ होता है, इसका स्लोप निकालना, स्लोप निकालोगे तो 20 / 10 आ जाएगा, ये क्या है बेटा ये तो आपका 1.23 हो गया। तो यहाँ आ गया 1.23 डिवाइड में आ गया चेंज, ये कितना है 8 से यहाँ पे क्या है 5 है, 3 बच गया हमारे पास, 8 में से 5 गया 3 ना, 3 × 10⁻¹⁴। आप इसे सिंप्लीफाई करो डायरेक्ट लिख देना यहाँ पे 6.63, क्योंकि बेटा प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू तो फिक्स ही है, यही आएगी सोल्व करने के बाद भी ना, आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरीके से आप जो है क्या निकालेंगे, ग्राफ से पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के ग्राफ से आप प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है बच्चे। सेकंड पार्ट देखो, राइट द फॉलोइंग ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट फॉर ए फोटो सेंसिटिव मटेरियल ना, यहाँ इधर करंट है आपका और यहाँ बेटा आपका क्या है ये एक्स, आपको पता है ये स्टॉपिंग वोल्टेज होता है, सॉरी स्टॉपिंग वोल्टेज नहीं, ये आपका वोल्टेज होता है यहाँ पे ना, ठीक है। और जहाँ ये पॉइंट टच कर रहे हैं ना ए पी ओ का होता है वो आपका स्टॉपिंग वोल्टेज होता है, यहाँ पे टोटल करंट क्या जाता है जीरो हो जाता है आपका, ठीक है, ये नेगेटिव वोल्टेज होता है। तो क्या बोल रहा है आइडेंटिफाई द वेरिएबल एक्स, ये तो बेटा आपको पता है ये वोल्टेज है आपका ना, ठीक है। दूसरा व्हाट डज द पॉइंट ए, ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया। तीसरा ड्रॉ दिस ग्राफ फॉर द थ्री डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी न्यू वन न्यू टू न्यू थ्री, न्यू वन न्यू टू ज्यादा है, देखो ये बोल रहा है इसी ग्राफ को आप जो है सेम इंटेंसिटी और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए बनाइए। तो ग्राफ ऐसे बन जाएगा, आपने पढ़ा होगा ड्यूल नेचर में तीन ग्राफ होते हैं बेटा, ठीक है, यहाँ इंटेंसिटी सेम बोला है तो आप इस तरीके से घुमा देंगे ग्राफ को, ठीक है। ये पहली इंटेंसिटी होगी, ये न्यू वन हो गया फ्रीक्वेंसी, ये दूसरी इंटेंसिटी के लिए, सॉरी इंटेंसिटी सेम है, ये तीसरा है। तो यहाँ पे आपका करंट होता है, ये आपका बेटा वोल्टेज है, और ये आपकी स्टॉपिंग पोटेंशियल है डिफरेंट डिफरेंट, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है न्यू टू और न्यू थ्री, और न्यू थ्री क्या है सबसे ज्यादा है, सॉरी देखो यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने ना ये, क्योंकि यहाँ पे न्यू वन ज्यादा लिखा है ना, इसका मतलब ये न्यू वन रहेगा, ये न्यू टू, और नीचे रहेगी न्यू थ्री, ठीक है बेटा। फिर नीचे पूछा ड्रॉ दिस ग्राफ फॉर द थ्री डिफरेंट वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी, इस बार इंटेंसिटी के लिए बना रखा है, इंटेंसिटी आई वन सबसे ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी सेम है, तो इसी ग्राफ को ये ग्राफ कैसे बन जाएगा, ये ग्राफ बेटा ऐसे बन जाता है। पहले के लिए तो आपका ये ग्राफ ऐसे रहता है, ठीक है, जो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ऊपर खड़ा कर दिया था ग्राफ को ना, ऐसे नहीं करना ऐसे लेटाना, ठीक है। तो ये इंटेंसिटी है बेटा एक ना, लेकिन सबसे कम इंटेंसिटी कितनी है आई थ्री है, इसका मतलब ये ग्राफ इसके लिए ना सेम, जहाँ सेम फ्रीक्वेंसी है इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहता है, थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ा देंगे आप तो स्टॉपिंग पोटेंशियल फिर भी सेम है, और बढ़ा देंगे तो भी सेम रहता है। तो ये आई टू आपका, और ये आई सबसे ज्यादा क्या है आई वन है, तो ये आपका आई वन वाला सबसे ऊपर रहेगा, नीचे आई थ्री रहेगा, ठीक है बेटा, ये ग्राफ आपका ऐसे बन जाएगा। अगले क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 32, ये देखो क्या बोल रहे हैं, इसमें लिखा है बच्चे यहाँ पे कि ड्रॉ ए डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉम्बिनेशन ऑफ थिन टू थिन कॉन्वेक्स लेंस इन कॉन्टेक्ट ना, जहाँ आपके दो कॉन्वेक्स लेंस, देखो एक ये रहा एक ये रहा आपका ना, दोनों कॉन्वेक्स लेंस आपने कॉन्टेक्ट में कर दिए, तो आपको इसका रे डायग्राम बनाना है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी मैंने अपने डेरिवेशन वाली वीडियो में समझा रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं इसकी डेरिवेशन ना, छोटी सी डेरिवेशन, इसकी ज्यादा बड़ी डेरिवेशन नहीं है। यहाँ से ऑब्जेक्ट है आपका, यहाँ टकराएगा, ये इसको डाइवर्ट करेगा, यदि ये लेंस ना होता तो ये सीधी यहाँ निकल जाती बेटा, ठीक है, लेकिन ये क्या काम करेगा, इसको डाइवर्ट करके ये यहाँ टकराया, और उसके बाद ये और डाइवर्ट करेगा तो ये यहाँ टकरा जाएगा, ये इसका रे डायग्राम है, यहाँ पहले बनता है आई डैश पे, अब फाइनली बनेगा आपका आई पे, ठीक है। छोटी डेरिवेशन इसके आप आसानी से पढ़ सकते हैं, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द पावर ऑफ दिस लेंस ना इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेज ना, जो आपकी पावर होती है बेसिकली वो क्या होती है P1 + P2 आ जाती है यहाँ पे ना कॉम्बिनेशन करने के बाद। यदि फोकल लेंथ देखते हैं तो बेटा ये बन जाता है 1/F=1/F1+1/F2, ये आ जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर बी, ठीक है, ये न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, ए रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम एयर थ्रू एन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म अंडरगोज मिनिमम डेविएशन। देखो बेटा मिनिमम डेविएशन का मतलब ये है कि आपका जो आई है वो ई के बराबर है, और बच्चे आर आपका क्या है आर डैश के बराबर है, ठीक है।
तो तभी आके जो डेल है आपका वो डेल एम बनेगा। और यहाँ बोला है इक्विलेटरल ग्लास है, इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी है बेटा 60 डिग्री गिवन है आपको ना। और क्या गिवन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो आई है आपका वो किसके बराबर है 3/4 ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म, मतलब ए के गिवन के बराबर है ना। और ए की वैल्यू 60 पता है हमें, तो ए की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं सीधे, 60 डाल दिया आपने यहाँ से, आई की वैल्यू 15 × 60 15 × 3 45 बेटा ये आ गया, आई इज इक्वल टू कितना आ गया 45 डिग्री आ गया। ठीक है, तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल गया कितना 45 डिग्री निकल गया। पूछा क्या है, स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है। तो बेटा स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला कहाँ से निकलेगा, आपको पता है म्यू होता है सी अपॉन वी, और म्यू का फॉर्मूला यदि मिनिमम डेविएशन में देखा जाए तो बेटा ये होता है साइन ए प्लस डेल एम अपॉन में 2 डिवाइड बाई साइन ऑफ ए बाई 2। ये आपने डेरिवेशन कर रखा होगा, नहीं कराया तो मैं डेरिवेशन की वीडियो देख सकते हैं बेटा, लिंक यहाँ पे नीचे गिवन है। तुरंत आप जो है टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे तो वहां से आपको सारी जो है वीडियोस मिल जाएगी। ठीक है बेटा, अब देखो आगे साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 ये फॉर्मूला हो गया यहाँ से ना। अब आपको यहाँ ए तो पता ही है, डेल एम आपको नहीं पता ना, डेल एम कैसे निकालेंगे आप देखो। तो बेटा आपको डेल एम निकालना है कहाँ से, यदि आप मिनिमम डेविएशन वाला केस देखते हैं ना तो आपके पास एक फॉर्मूला आया करता था हमारे पास यहाँ पे कि जो 2i है वो हमारा a प्लस डेल एम के बराबर होता है। तो i हम निकाल चुके हैं 45, तो 2 × 45 कितना बट 90 बन गया, a हमारा 60 है तो ये डेल एम, तो डेल एम की वैल्यू यहाँ से हमें मिल गई कितनी 30। 30 हम इनपुट अप करेंगे तो ये बन जाएगा बेटा साइन a कितना है 60 प्लस 30 डिवाइड बाई 2, ये हमारा ये बन गया। नीचे हो गया साइन a बाई 2, a की वैल्यू कितनी बेटा 60, तो 60 बाई 2 और इज इक्वल टू क्या है सी अपॉन वी। तो इस फॉर्मूले से आप इजीली निकाल सकते हैं साइन 90 ये हो गया बेटा साइन 45 डिवाइड बाय साइन 30, और सब की वैल्यू आपको पता ही है सी अपॉन वी कर देंगे आपने। सो वी इज इक्वल टू बेटा आ जाएगा हमारे पास क्या सी इंटू साइन 30, साइन 30 एक बटा दो होता है और साइन 45 बटा 1/√2 होता है। ये सारी वैल्यू पुट अप करो आसानी से वी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसका अगला वाला पार्ट देखो, और वाला पार्ट क्या बोल रहा है, ड्रॉ ए रे डायग्राम लेवल डायग्राम शोइंग द इमेज फॉर्मेशन ऑफ ए डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट बाय ए रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। मतलब आपको जो है न्यूटोनियन या फिर कैस्ग्रेन किसी का भी एक डायग्राम बना देना है यहाँ पे। ठीक है, डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द इट्स मैग्निफिकेशन व्हेन द इमेज इज फॉर्म एट इन्फिनिटी। आपको इसकी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी ड्राइव करके दिखाना है। ठीक है, रिफ्रैक्टिंग, सॉरी यार मैं गलत बता रहा हूँ बेटा, वो नहीं बनाना आपको, रिफ्रैक्टिंग का बनाना है यहाँ पे ना, मतलब आपको एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का बनाना है। ठीक है बच्चा, क्योंकि जो रिफ्लेक्टिंग टाइप होते हैं ना वो तो उसमें तो मिरर यूज करते हैं ना, और वो कौन से होते हैं आपके न्यूटोनियन और कैसग्रेन होता है, तो रिफ्लेक्टिंग टाइप है यहाँ पे, तो इसका मतलब आपको एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का बनाना है। आगे पार्ट देखो बी वाला, ये भी डायरेक्शन बेटा, इसे आप वहाँ से मिरर जो आपकी मैंने वो डाल रखी वीडियो ना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की, या फिर जिसमें ओल्ड डिवाइसेज है ना वहाँ पे भी इसका मैंने लिंक वो दे रखा है पूरा ना, तो उसके सारे वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे का आपको लिंक मिल जाएंगे, आप आसानी से वहाँ से वीडियो वॉच कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो सेकंड पार्ट क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द टू लेंसेज ऑफ द रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप इज 105 सेंटीमीटर। दोनों फोकल लेंथ का सम मतलब कि एफ नॉट प्लस एफ ई व्हिच इज इक्वल टू कितना बेटा 105 सेंटीमीटर है। द फोकल लेंथ ऑफ द वन इज 20 टाइम्स दैट ऑफ अदर, ना एक की फोकल लेंथ दूसरे की क्या है 20 गुनी है। तो आप क्या लिखेंगे, मान लो हमारे पास जो फोकल लेंथ एफ ओ है वो क्या है 20 टाइम्स है एफ ई का ना। डिटरमाइन द टोटल मैग्निफिकेशन, तो पहले यहाँ एफ ओ एफ ई निकाल लो इससे ना, यदि आप इसे यहाँ पुट अप कर दो ऊपर तो ये बन गया 20 एफ ई प्लस का एफ ई इज इक्वल टू बेटा 105 सेंटीमीटर आ गया, ये बन गया 21 एफ ई इज इक्वल टू 105, तो एफ ई की वैल्यू आ गई बेटा 105 डिवाइड बाई 21, ये करके कितना आ जाएगा 5 आ गया हमारे पास ना। तो एफ ई की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो एफ ई 5 है तो बेटा एफ ओ कितना आ जाएगा 20 × 5 ये 100 आ गया हमारे पास, तो एफ नोट हमारे पास 100 आ गया, 100 सेंटीमीटर तो आपका एफ नोट है और एफ ई क्या है 5 है। अब मैग्नीफिकेशन आपसे पूछी गई थी इमेज कहाँ बन रही है इन्फिनिटी पे, तो बेटा इसका मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए, होता है बेटा एफ नोट बाई एफ ई, और एफ नोट आपके पास है 100 डिवाइड बाई एफ ई कितना है 5, ये कटा बेटा कितना आ गया 20, इसका मतलब मैग्नीफिकेशन किसनी है इसकी 20 है। अब आ जाओ 33 क्वेश्चन, ये बेटा लास्ट क्वेश्चन है 5 मार्क्स का। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल ऑफ लेंथ 2a एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल ऑन द एक्सियल लाइन। ये बेटा आसान डेरिवेशन है, इसे आप कर सकते हैं आसानी से, ड्रो द ग्राफ e वर्सेस r, ये भी आप आसानी से बना सकते हैं इसका। ठीक है, सी पार्ट देखो, इफ दिस डायपोल वर केप्ट इन ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड e नॉट
डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द डाइपोल इन द स्टेबल एंड अनस्टेबल। आपको भाई बताना है स्टेबल का मतलब होता है बेटा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे, आपको दिखाना है लिख के, और 180 डिग्री पे आपको फिर बनाना है। ठीक है, चलो मैं बना देता हूँ। देखो ये कैसे बनेगा, ये आपने जो है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका। तो पहला केस देखो स्टेबल वाला, स्टेबल का मतलब है थीटा की वैल्यू 0 होनी चाहिए ना। तो आपका जो डाइपोल है वो आप कैसे रखेंगे, डाइपोल आपका ऐसे रख देंगे आपने, ये माइनस क्यों है ये प्लस क्यों। तो देखो पी डाइपोल मोमेंट जिधर है उस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका ना, इसलिए एंगल कितना बन जाएगा 0 डिग्री, और 0 पे आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, दूसरे वाला केस बोला स्टेबल अनस्टेबल के लिए, इस बार अनस्टेबल में आप 180 डिग्री बनाना है, तो आप क्या करेंगे डाइपोल को उल्टा रख देंगे इसमें घुमा के ना। ठीक है बेटा, डाइपोल को आप ऐसे रख दीजिए, ये आपका डाइपोल, लेकिन इस बार माइनस क्यों आ जाएगा प्लस क्यों आ जाएगा, जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो कहाँ जाएगी, इस तरफ आ जाएगी ना। तो इसलिए थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, यहाँ आ जाएगी 180 डिग्री, दैट इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क। टॉर्क की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, पीई साइन थीटा होती है। दोनों केसेस में आपको टॉर्क की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क इन बोथ केसेस ना, स्टेबल में टॉर्क कितना साइन 0 0, तो यहाँ पे बेटा टॉर्क 0, साइन 180 0, तो यहाँ पे भी टॉर्क की वैल्यू 0। दोनों केसेस में क्या रहेगा, टॉर्क आपका 0 हो जाएगा। और वाला पार्ट देखो फटाफट से क्या बोल रहा है, ए क्यूब ऑफ साइड बी हैज ए चार्ज क्यू एट ईच वर्टेक्स ना, आपके पास एक क्यूब है बेटा जिसकी साइड क्या है, बी है इसकी साइड ना, ये बी साइड है आपकी ना, और इसके हर वर्टिक्स पे जो है क्या रखा गया है, एक क्यू चार्ज रखा गया है ना। डिटरमाइन द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज एरे एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। देखो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 हो जाएगा यहाँ पे ना, क्योंकि देखो ये सेंटर की बात करते हैं, तो इसका हर फेस ना यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ना सेम डिस्टेंस पे आएगा, सेम डिस्टेंस पे आएगा, तो एक पॉजिटिव है तो सामने वाला उसको नेगलेक्ट कर देगा कैंसिल आउट ना, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो बच्चे क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। बस बात करते हैं पोटेंशियल की, देखो पोटेंशियल के काम करना पड़ेगा। देखो आपको जितने भी आपके चार्जेस है ना, ये टोटल कितने हैं आपके 8 वर्टिक्स है ना, तो 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा पोटेंशियल से, लेकिन आपका एक का निकाल लीजिए चार्ज कितना है ना, तो सेंटर पे रखा है तो एक वर्टिक्स से सेपरेशन चाहिए आपको ना, और आपका ये पूरा डायगनल है, इसका डायगनल की वैल्यू कितनी होती है, डायगनल ऑफ द क्यूब ना बेटा ये होता है आपका पूरा बी, बी साइड गिवन है तो बेटा ये होता है बी रूट थ्री। ठीक है, ये पूरा डायगोनल, लेकिन हमें हाफ चाहिए ना, तो आपके डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड द वर्टिक्स ना, सेंटर एंड वर्टिक्स, ये बच्चे एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, वो कितने हो जाएगी, इसका आधा कर दो बी रूट 3/2 हो जाएगा, तो आपकी सेपरेशन मतलब बेसिकली ये आर आ गई हमारे पास ना, तो एक सिंगल चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होता है, के क्यू बाई आर होता है, लेकिन हमारे पास 8 है तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा, तो आपका पोटेंशियल है बेटा क्या हो जाएगा 8 into Q, के की वैल्यू आपको पता है 9×10^9 है, डिवाइड बाई आर, आर की वैल्यू आपकी b√3/2 है, इसे आप सिंपलीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, या आप के की फॉर्म में छोड़ना चाहते हैं तो के की फॉर्म में छोड़ देना। ठीक है, आप इजीली इसे सेल्फ सोल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, अब आ जाए केस स्टडी के ऊपर ना, बेटा पहली केस स्टडी है स्पार्क कोयल के ऊपर ना, लेकिन ये आउट ऑफ सिलेबस है, स्पार्क कोयल तो बेटा सिलेबस में है ही नहीं। ठीक है, तो इसे आप छोड़ ही दीजिए ना, इसे कोई फायदा नहीं सोल्व करने का। ठीक है बच्चे, ये है देखो, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन ना, ये एसी और डीसी सप्लाई वाली स्टडी है, देख लेते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन लिखा बेटा गिव टू फंक्शन ऑफ कैपेसिटर ना, आपको कैपेसिटर के दो फंक्शन बताने हैं। तो बेटा आपको पता है कैपेसिटर क्या काम करता है, कैपेसिटर डीसी को तो ब्लॉक करता है और एसी को अलाउ कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आउटपुट सप्लाई है, देखो यहाँ पे आप लिखा है ना, यहाँ पे ये सब चीज़ आपको यहाँ से पढ़ के इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। ठीक है बच्चे, लीस्ट एनी इजी वे टू डिस्चार्ज कैपेसिटर, कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने का क्या तरीका है, तो आप यहाँ से इसे देख सकते हैं। देखो अनदर इजी वे टू डिस्चार्ज कैपेसिटर यूजिंग रेजिस्टिव लोड सच एज टंगस्टन लैंप ना, मतलब आप उसे जो है किसी भी उसमें लैंप में लगा, जिसकी वजह से क्या होता है उसकी जो चार्जिंग है वो खत्म हो जाएगी और क्या। ठीक है, कैपेसिटर कैन ब्लॉक डीसी व्हाइल पासिंग एसी, हाउ दिस प्रॉपर्टी कैन बी यूटिलाइज्ड टू स्मूथ द आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर, जिससे क्या होता है कि जैसे ये एसी को पास करा देता है, उसकी वजह से क्या होता है एसी को पास करते जो उसका ये वाला पार्ट है ना, आपको पता है जब आपका डीसी वोल्टेज आता है जो हाफ फुल वेव रेक्टिफायर है आपके पास, उसमें ऐसा आउटपुट मिलता है ना, तो ये लेकिन ये जो आउटपुट है वो भी क्या होता है फुल्ली आपका एसी नहीं होता ना, इसमें भी मिक्स करंट होता है। देखो यहाँ से यहाँ कुछ वाले ये कुछ तो यहाँ तक डीसी है, लेकिन जो ये वाला हिस्सा है और जो ये वाला हिस्सा है ये सब एसी वाला पार्ट है ना,
तो इसकी प्रॉपर्टी का यहाँ फायदा मिलता है कि ये डीसी को ब्लॉक करके होता है, ये वाला हिस्सा तो आगे भेज देता है लेकिन इतना हिस्सा ब्लॉक कर देता है। उसकी वजह से क्या होता है, हमें जो करंट मिल जाता है वो कुछ कुछ ऐसा ऐसा सीधा एक स्ट्रेट लाइन करंट मिल जाता है। तो रेक्टिफायर में क्या होता है, रेक्टिफायर का मतलब ये होता है कि आप जो है एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो फुल वेव रेक्टिफायर भी बेटा पूरा कन्वर्ट नहीं करता। उसके लिए क्या कराते हैं हम, एक उसे मॉडिफाइड करते हैं ना, फिल्टर सर्किट यूज करते हैं। फिल्टर सर्किट में हम कैपेसिटर या फिर इंडक्टर को यूज करते हैं, ठीक है। तो वो यही बोल रहे हैं कैसे करते हैं, तो कैसे करते हैं, जो हमारे एसी वाला पार्ट है उसे ब्लॉक कर देता है, ठीक है। आगे लिखा है व्हाट आर द डिफरेंट वे टू डिस्चार्ज कैपेसिटर, बेटा इसे भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं आसानी से। तो थैंक यू सो मच बेटा, ये थी हमारी आज की वीडियो। कैसी लगी वीडियो जरूर बताएं आपको, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच, बाय बाय।